हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 12 है। तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच शंखम दद्मो प्रतापवान। तो यहाँ पर अब संजय कह रहे हैं, अब संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से। क्या कह रहे हैं? तस्य संजनयन हर्षम। दुर्योधन की इस बात को सुनकर के कि दुर्योधन ने भीष्म देव को बड़ा महत्व दिया है, तो भीष्म देव उसको निराश नहीं करना चाहते हैं और उसको हर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया है? शंख बजाया है। यहाँ बताया गया है कुरु वृद्धा पितामह, जो कौरवों में जो वृद्ध हैं, तो कौरवों में सबसे ज़्यादा वृद्ध पितामह भीष्म है, और पांडवों के भी और कौरवों के भी सबके पितामह हैं, सबके द्वारा सम्मानित हैं, तो उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। तो दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाया, लेकिन भीष्म पितामह जानते हैं कि दुर्योधन मारा जाएगा, क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं अधर्म का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भीष्म देव महाभागवत हैं, वे जानते हैं युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन इस समय के लिए हर्ष उत्पन्न करने के लिए भीष्म देव ने शंख बजाया कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पक्ष में अपना पराक्रम दिखाऊं, तो ठीक है, मैं पराक्रम दिखाता हूं, तो मेरी जितनी शक्ति है मैं पराक्रम जरूर दिखाता हूं, लेकिन तुम ये मत आशा करो कि श्री कृष्ण के होते हुए धर्म की पराजय होगी और अधर्म की विजय होगी। धर्म की ही विजय होनी है, अधर्म की पराजय होनी है। तो यहाँ पर बताया गया सिंहनादम विनद्योच, जिसमें देव ने सिंह के समान गर्जना की और ऊंचे स्वर में शंख बजाया। फिर बताया गया प्रतापवान, वे अत्यंत प्रतापी हैं। तो भीष्म देव का प्रताप इतना ज़्यादा है कि जिस समय वे काशी राज के जो 3 कन्याएं थीं उनके स्वयंवर में गए थे, तो उन्होंने अपने बल से तीनों कन्याओं का अपहरण किया था और उस स्वयंवर में आए हुए जितने राजा थे उन सबको अकेले ही पराजित किया था। तो भीष्म देव का जो है प्रताप, हाँ, उनका जो पराक्रम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भीष्म देव पांडवों के पक्ष में हैं और उनका हृदय यही चाहता है कि पांडवों की हमेशा विजय हो, और हमेशा वे अपने हृदय में मनाया करते हैं कि पांडवों की ही विजय हो। हरे कृष्णा।